और अब बात करते हैं जबलपुर की, जहां सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी की तबीयत बिगड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला 16 साल पुराना है, लेकिन अब तक उसकी पत्नी अपने पति के मृत्यु प्रमाण के लिए भटक रही थी। मामला जैसे ही कलेक्टर इलैयाराजा टी के सामने आया, किस्सा सुनकर कलेक्टर भी दंग रह गए, जिसके बाद पूरी संबंधित जानकारी अधिकारियों से लेकर मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर देने के तत्काल निर्देश दिए। गोहलपुर निवासी उर्मिला कोष्टा के मुताबिक उसके पति मन्नूलाल कोष्टा जेल में विचाराधीन कैदी थे। इलाज के दौरान 21 फरवरी 2006 में उनकी मौत हो गई, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला, जिसके लिए सालों से सभी जगह पर वो भटक रही थी। शिकायत सुनकर कलेक्टर ने जेल अधीक्षक को पत्र लिखकर जानकारी मांगी, जहां जानकारी मिली कि मन्नूलाल कोष्टा आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल में 13 दिसंबर 2005 को दाखिल कराया गया था। मन्नू की तबीयत बिगड़ी, जिसे मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वही कलेक्टर के निर्देश के बाद गढ़ा जोन ने प्रमाण पत्र उर्मिला को दिया। प्रमाण पत्र मिलने के बाद महिला ने कलेक्टर को थैंक यू कहकर आभार भी जताया।